आज इस पेंट थाना में आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ के काम कीजिए, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है आप लोग के ऊपर। हमारे गोंडवाना में ट्राइबल में अच्छे पत्रकार नहीं है, अच्छे इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़े नज़र से देखने वाले पत्रकार नहीं है, कहीं कहीं बिक गए और तुष्टिकरण किए, ऐसा हमको पत्रकार नहीं चाहिए। हमारे असली चीज़ों को प्रेजेंट कीजिए, लाइए सामने। आप लोग जो यूट्यूब में करते हैं ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है। मेरा मानना है एक यूट्यूब का राहुल कराके जी का ही ऐसा एक चैनल है जिसको भारत भर के आदिवासी देखते हैं, चाहे हो मुंडा संथाल हो, चाहे भील हो, चाहे मीणा हो, चाहे नागा खासी जयंती हो, सबका कमेंट्स रहता है नीचे में। जी सर जी, और एक टॉपिक पे आता हूँ। मैं यहाँ पे निरीक्षण कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे तब, जो कोरबट्टा कहते हैं, तो हम जब ये मानते हैं कि हमारी सब ऊर्जा है, एनर्जी है, तो एनर्जी को हम पूज रहे हैं, तो ये क्यों जरूरी है कि एक पका हुआ भी है, कच्चा हुआ भी है, जो आपने यहाँ पे नैवेद्य या कोरबट्टा चढ़ाया है, तो ये क्यों चढ़ाया, किस लिए चढ़ाया? क्या है, प्राचीन समय में इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ता था, पका हुआ चीज जी, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से जो भी इरुक पुंगार, जिसको महुआ का फूल बोलते हैं, इसके बाद हो सके चावल, इन सब चीज़ों का ही इस्तेमाल होता था पत्ते में ही। उसको पेन परवा बोला जाता है, वो भी एक खाना है, वो जो दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है, वो खाना है, वो कच्चा खाना है। जी, वो कच्चा खाना ही हम अपने पेन शक्तियों को आह्वान करने के लिए देते थे, लेकिन कालांतर में दिल और दिमाग भी जोड़ना जरूरी है। जब तक कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे ना आपके दायर सुक्ति लोगों का, कोई दायर सुक्ति का भी दिल लगे कि मैंने कुछ बनाया वहाँ पर लगा, तो उसका दिल लगेगा। तो ऐसा हम प्रचार प्रसार करने के लिए भी ना कभी कभी एक और बट्टा है, कभी कभी और बट्टा देना पड़ता है। जो सक्षम है वही देता है, अदरवाइज जो सक्षम नहीं है वो भीगा हुआ चावल भी रख सकता है। हमारी पेन शक्तियाँ किसी संसाधन या द्रव्यमान का भूखा नहीं है, वो भावना का भूखा है। बिल्कुल, हाँ, भावना से आप होम ग्रास भी देंगे ना सरईराल का, उससे प्रभावित होगा, उससे आकर्षित होगा। इसलिए कोरबट्टा या फड़ा बिदुर का भी गोंडी में बोलते हैं, वो आपके घर की पवित्रता के रूप से आने के लिए है। अदरवाइज क्या है, आप घर में इस चीज़ को नहीं बनाएंगे तो 700 रुपया का कला खरीदेंगे, 400 रुपये का लड्डू खरीदेंगे, तो जिसके पास पैसा है वो तो खरीद लेगा, लेकिन आदिवासी समाज, हर समाज अमीर नहीं है, फिर वो देखा देखिए वो कहाँ से खरीदेगा 700 रुपये का कलाकंद, अपने आप को बेचेगा, घर के सामानों को बेचेगा। बराबर, इसलिए इस समानतावाद सिद्धांत को अपनाया गया है कि घर में जो भी आपका बनता है, जो भी वो चावल भी आता है, इसलिए उसको आपको देना है, ये कर्तव्य, ये अर्थवाद का सिद्धांत है। इसमें प्राकृतिक अर्थवाद जो समानतावाद है, क्योंकि बाजार का चीज आप खरीदेंगे तो सारी महंगाई के ऊपर है वो। बिल्कुल, और गरीब आदिवासी उसको नहीं खरीद सकता, इसका मतलब नहीं खरीद सकता तो क्या वो सेवकों को नहीं करेगा क्या? बिल्कुल, वो घर में जो खाता है दाल चावल उसी को कोरबट्टा लगा सकता है। एक आपका ये कहना है कि आदमी किसी भी सिचुएशन में हो, अपने दिल को अच्छा रख के, साफ रख के, वो पेन शक्ति को चढ़ाएगा, वो सफल हो जाएगा। 100% ऐसा ही है, भावनाएं के भूखा है। हाँ, मन मलिन नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बड़े पैसे वाले हैं, 10 ठो बकरा काट दूंगा, मेरा देवता खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा मान्यता है आदिवासियों में। नहीं है मान्यता, लेकिन वो सच नहीं है। सच नहीं है वो, कोई भी गरीब आदमी भी पूरा भावनात्मक होके, समर्पित होके, सिर्फ ऐसे पत्ते में भीगा हुआ चावल रख देगा, बस मेरी यही सेवा है, स्वीकार कीजिए, इसी को मैं समर्पित करता हूँ, उसी में हमारी शक्तियाँ आपके तरफ आने लगती हैं। ये हमारी मान्यता है, बहुत जगह देखा गया है जी। मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ आस्था के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, जो हम करते हैं फिर उसका रिसर्च भी करते हैं कि वास्तव में उसके समाज के ऊपर क्या प्रभावित हुआ, किस समाज किस तरफ जा रहा है। हम सेवा गोंगो मुठवाल का काम करते हैं, तो जब तक रिसर्च नहीं करेंगे समाज के ऊपर क्या प्रभाव नहीं हुआ, तो उसको सही नहीं माना जा सकता ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो कुछ को बोल के चला गया, लेकिन समाज में उल्टा प्रभाव हो रहा है, तो उन चीज़ों को फिर ख़त्म करना पड़ता है जी। सर जी, मैंने जितना सुना है या देखा है, उससे हम सभी को कहते हैं कि हम किसी फलों को, फूलों को वेस्ट नहीं करते। तो आपके गोंगो में मुझे नींबू नजर आ रहे हैं, खट्टे नींबू, तो आपने बाना के ऊपर भी उसको सुशोभित किया है, जो आप
हाई ऊर्जा की बात कर रहे थे, उस पर भी आपने सुशोभित किया और यहाँ भी। अच्छा, तो ये जो हमने पेड़ से तोड़े हैं क्या इसका यूज बाद में होता है या ये ऐसे ही फेंके जाते हैं, या ये रखने का क्या है कारण? क्या है देखिए, हमारे में कुछ वन सेवा है जिसको बलि बोलते हैं, बलि शब्द का अच्छा नहीं है, कुछ वन सेवा है। तो हर आदमी, हर आदिवासी, हर गोंडवाना का आदमी वो सब नहीं कर, बकरा नहीं खरीद सकता, मुर्गी नहीं खरीद सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो सात्विक चीज है वो है नींबू। ठीक है, नींबू हर के घर में मिलेगा, इजीली मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैं बोला ना कि ये सेवा गंगो हर गरीब से गरीब भी कर सकता है जी। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ फल, और वो श्रेष्ठ फल जो 12 महीना मिलता है जी। या तो आप उसके जगह जो मौसमी फल होते हैं ना, मौसमी फल का मतलब है जो जंगल में पैदा होते हैं, आपका सेब अंगूर केला नहीं, हाँ जो नेचुरल होते हैं आपको मिले, सेब केला अंगूर नहीं, महंगा वाला। तो इन चीज़ों का यहाँ पर समावेश किया जाता है। ये नींबू भी इरुक पुंगार जो है ना, वो भी नेचर से गिरता है, वो उसको तोड़ा नहीं जाता। और पुनेम के नियम के अनुसार वो फल नींबू को भी तोड़ के नहीं चढ़ाना चाहिए जी। समझ रहे हैं, जो नेचर से अपने आप गिरता है। मेरा काम हो गया भाई, अब मैं गिरने वाला हूँ। जैसे कि हमारे नेताम साहब नेचर से गिर गए जी, वो भी फल के रूप में पके और गिर गए जी। वैसे मैं भी एक दिन फल के रूप में हूँ, मैं भी गिर जाऊँगा, यही कुंडा वाली बात है। हाँ, तब मैं बीज के रूप में बन जाऊँगा जी। तो फल जब पूरा गिर के मिलता है तो बीज परिपक्व माना जाता है। तो क्या मेरा सवाल है, इस नींबू के जगह मौसमी फल जैसे चार हो गया, टेंबू हो गया, या और कुछ फल रख के अगर सीधे मन से किया गया गुंगू सही होगा? वो होता है, हम चढ़ाते हैं मौसम के अनुसार। हाँ, तेंदू हो गया, आम हो गया, जो पेड़ में मिलता है, चार हो गया, वो समर्पित करते ही हैं। यानी फलों की कोई पाबंदी नहीं है? नहीं 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 है। फल हो जो ग्रास मतलब बडिंग से हुआ है उसको नहीं चढ़ाते, याद रखिए। जो बीज से पैदा होता है ना, क्या बात है, जो बीज डालते हैं उससे जो पैदा होता है। आप कह रहे हैं जो कलम करके जो पेड़ लगाया जाता है उसका फल यूज नहीं किया? हाँ, वो तो गैर प्राकृतिक हो गया ना, प्रकृति को आपको छेड़खानी करके किए हैं। वो पेन के पास नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा इसमें। जैसे बीज से आया है वही जाएगा। जैसे बायलर मुर्गा नहीं देते, देसी इसलिए देते हैं कि माता पिता के मिलन से बना हुआ जी। तो वो फल नहीं जाएगा। अब क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन मौसम्बी क्या है, इतना महंगा है, 150 रुपये किलो है। मैं पहले बताया हमारे में कम से कम आर्थिक जो मिले वो आर्थिक सिद्धांतवाद का, समानतावाद का पूरा संदेश छिपा हुआ है। इसलिए सस्ता से सस्ता जो है प्रकृति में विलीन हो जाए, जिसका उपयोग करना है। आप बोल रहे थे ना सबका उपयोग होगा, वो जी सबका उपयोग होता है, सबका उपयोग कर सकते हैं। उठा के हम उपयोग में भी लाते हैं, 100% उपयोग में लाते हैं। वो जो दो नींबू है ना यहाँ पर, ये वाला वे वाला, प्राकृतिक शक्ति दायर और दाऊर का प्रतीक है, उसको नहीं काटा जाता जी। इसका मतलब यह है दायर और दाऊर शक्ति का जो मिलन है या उनका जो गठन है उसको हमको अलग नहीं करना है ना। जैसे प्रकृति को नहीं काटना है, प्रकृति को चलाए मान करते हम लोग, प्रकृति को नहीं काटते जी। हम जो भी कर्म करते हैं इस प्रकृति को चलाए मान करते हैं, प्रकृति का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, उसको ब्रेक नहीं करते। वो प्रकृति का प्रतीक है, उसको ब्रेक नहीं करना है जी। समझ रहे हैं, उसका ब्रेक नहीं करते। अब क्या है, ये सब खत्म हो चुके हैं पुरखा के रूप में। इस लिन को जो भी दिया जाता है काट के दिया जाता है, ये प्रकृति शक्ति नहीं है, ये पुरखा शक्ति है जी। तीन शक्ति हम कहते हैं। सर जी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समझिए मेरा, कि सीधा सीधा है, मेरे गांव में भी सल्ला शक्ति का प्रतीक विराजमान है और बाकी के गांव में भी, तो हमारी तरफ पीला लगाया जाता है, ठीक है। तो आपने सल्ला शक्ति के आपके सामने जो मुझे दिख रहा है, तो इसका क्या अर्थ है, आप जरा समझाइए, इसके आकार का, इसके रंग का क्या अर्थ निकलता है? वो आप सल्ला शक्ति कहते हैं, उसका बहुत सारे नाम है जी, बहुत सारे शक्तियों का नाम है जी। और इन सारे शक्तियों को जब कंप्रेस्ड कर देते हैं, संपीड़ित कर देते हैं, तब ये स्वरूप बनता है, ठीक है ना। ये अलग अलग पार्ट है, वो ऊपर का दिख रहा है वो अलग है, हाँ। आकाश कुंडा का प्रतीक है जी। वो जो बीच का दिख रहा है ग्लोब, हाँ। वो पृथ्वी का प्रतीक है जी। ये सल्ला शक्ति का प्रतीक है, दाऊर शक्ति का, हाँ। जो हाफ राउंड दिख रहा है, हाँ। वो आपका दायर शक्ति का प्रतीक है, और नीचे ट्रायंगुलर फिलॉसफी या हमारा प्रतीक है पारी का जी, ठीक है जी। अब इसको मैं नाम से लेना चाहूँगा, हाँ। तो नाम इसको वो देखेंगे, इसका नाम है
शुरू है बैरोमान फड़ाल पेन बुढ़ाल पेन हजोर पेन सजोर पेन परसा पेन सल्ले गांगरा मारंगपुर सिंगा बोंगा रनबगिया झगड़ा खान उनो पुनो दायर दार सुक्ति येर तोली अद्दी वल्ली पोकली उमोटिया अगटिया अदिटिया भुअटिया माटिया सीढ़ी पेन कोड़ो पेन भुजंग पेन अंडज पिंडस स्वेदज चरमज बीजस जनस और नाल और कुम दायर सुक्ति और नाल और कुम दायर सुक्ति पूरो आगास कुंडा की शक्ति ये इसका नाम है जी। उसमें से एक ही मैं बोलूंगा बैरोमान, उस बैरोमान को एक्सप्लेन करने में कम से कम एक घंटा लगेगा तो समझ जाइए इतने सारे नाम को एक्सप्लेन करने में कितना लगेगा। बिल्कुल, इन सारे शक्तियों का समुच्चय जो स्वरूप दिखाई देता है उसी को हम सल्ले गांगरा कहते हैं, ठीक है ना। ये हम सिंबॉलिक है, ये मूर्ति कोई मूर्ति नहीं है, ये सिंबल है और सारे चीज आपके सामने में है। आकाश कुंडा की शक्ति सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र सब आपके सामने में है, धरती का क्रिया प्रक्रिया सब आपके सामने में है, दौर सुक्ति आपके सामने में है, दायर सुक्ति आपके सामने में है, ट्रायंगुलर फिलॉसफी सगा शक्ति सात सपत सात पारी आपके सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो हाफ राउंड है, हाफ राउंड को कई लोग बोलते हैं भैंसे का सिंह है, ऐसा करके आपको डामिनेट करते होंगे कई जगह। हाँ, हाफ राउंड के आप भैंसे के सिंह टाइप बनाए हो या राक्षस के सिंह टाइप बनाए हो, ऐसा नहीं है। जब आप मानते ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में जाएंगे ना, तो जब सीमेंस रन करता है, सीमेंस रन करता है ना, ठीक है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, सीमेंस रन करता है जब अंड के अंदर इंट्रेंस होता है तो उस समय अंड हाफ राउंड में बन जाता है और उसको कलेक्ट करने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप जाइए ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, वही सिस्टम को बता रहा है वो जो कलेक्ट कर रहा है इसको, जो है ना अपना जो दाऊर शक्ति को। ये शुरुआत है तुंडा की। हाँ, ये टुंडा की शुरुआत है, बीज की शुरुआत है। समझ जाइए आप कौन सी शक्ति की सेवा उपासना कर रहे हैं। क्या बात है, उस प्रक्रिया। हाँ, उस प्रक्रिया की सेवा कर रहे हैं जहाँ से सृजन का क्षण है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का सिस्टम जो प्रथम हो रहा है, प्रथम दायर और दौर शक्ति मिल रहे हैं, है सीमेंस और अंड के रूप में जी, ठीक है जी। तो उस चीज का प्रदर्शन कर रहा है वो, अपने आप को कलेक्ट कर रही है अंड जो है। हाँ, अंड करके करके बंद कर देता है उसको। बिल्कुल, फिर बाकी नहीं घुस पाते हैं वो, सब आपको मालूम है जी जी। हाँ, उसको तो उस चीज प्रक्रिया को फैसे का सिंह नहीं है वो जी। हाँ, जो बोलते हैं ना हमको डामिनेट करते हैं जी, वो ऐसा बोल रहे हैं। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो सिंह मोहर मिला है ना, वो भी तीन प्रकार की शक्ति का प्रतीक है, ट्राइडेंट फिलॉसफी, वो भी भैंसे का सिंह नहीं है। तो समझ जाइए गोंडवाना या फिर दूसरे ट्राइबल लोग भी जो करते हैं ना, वो समझ जाइए कौन सी शक्ति, कितना गहन अध्ययन करने के बाद उसकी सेवा उपासना करते हैं। हम लोग कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, उस जनन शक्ति की सेवा करते जो प्रारंभिक से चल रहा है जी। बिल्कुल सर, ये और इसी सिंबल को हमारे सामने रखकर हमारे पुरखाओं ने भी यही बताया, आपने जैसे सृजन शक्ति का उस पॉइंट का जैसे तुंडा इस प्रोसेस को आपने बताया, वैसे ये मोदवीर जी मुंदशूल सर्री को भी परिभाषित करता है। नहीं, ऐसे बोलेंगे तो ट्रायंगुलर फिलॉसफी बनता है। बिल्कुल, वो उसमें शामिल है मोदवीर जी। आपने जैसे सौर मंडल का, लेकिन जब ये तीन प्रोसेस हम पार करते हैं तब हमारा भी वैसा ही प्रकाश है सत्य ज्ञान का। देखिए कि कई लोग बोलते हैं कि आकाश तो कुछ है ही नहीं, कैसे शक्ति है भाई, उसको कैसे मानेंगे। फिलॉसफर चारवाक ने ना चार शक्ति माना है, फिलॉसफर एक चारवाक हुए हैं, नास्तिकता का प्रतीक माना जाता है जिनको, ठीक है जी। उसने चार ही चीज माना है, पानी अग्नि हवा और धरती जी, आसमान को नहीं माना है। पर हादसा भी हमारे प्रकार के साइकिल में है। बिल्कुल, अब आसमान मेरे लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन आसमानी जब हलचल होता है, आसमानी हलचल में आपका गर्मी होता है, सर्दी आता है, पानी गिरता है, उस समय जीव जंतु वनस्पति अपना जनरेशन करते हैं और लास्ट करते हैं। नहीं, आसमान के बारे में जो पोखराल, हाँ पोखराल, पोखराल कहते हैं। हाँ, तो पोखराल के बारे में भी बहुत सारा नॉलेज हमारे सिस्टम में दबा पड़ा है। हाँ, जो नारायण मरकाम सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, कि हमारे पुरखों को उसका भी नॉलेज बहुत था। हाँ, तो वो एक जरिया था ज्ञान का। हाँ, तो उसको भी हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपने जो ये माध्यम बताया तुंडा का जो शुरुआत ही है, जहाँ से इंसान की हो या कीड़े मकोड़ों की शुरुआत तो हुई है पूरा पूरा, तो हम इसको मान रहे हैं, इसका मतलब उस शुरुआत को साथ में लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, और इसी को उनो पुनो शक्ति भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनो पुनो शक्ति ए शक्ति है कि सारा आपका जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, घास कुंडा सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र हजारों सौर मंडल भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, तब भी उनो पुनो की शक्ति रहता है और उसी दोनों के मिलन से ना सृजन होता है। बिल्कुल, उसी चीज को हम यहाँ पर बता रहे हैं सिंबल के रूप में।
ये कोई कल्पना या आस्था के रूप में नहीं है, ये वास्तविकता का चीज़ है ना। तो इस चीज़ों की सेवा उपासना पूरा गोंडवाना और पूरे ट्राइबल लोग करते हैं जी। क्या बात है सर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये जो गोंगो मैंने देखा, एक तो पहली बार देखा और पूरा पूरा समझ भी लिया। हाँ सर, इसके बारे में जरूर बताएं। इसको खांडा बोलते हैं। खांडा? हाँ, खांडा। खांडा, हाँ। आपका गोंडवाना में, गोंडवाना में जो एक तरफ का तलवार नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक है ना। आप पाषाणकालीन अवस्था में भी जाएंगे ना, हाँ। तो पाषाणकालीन जो शस्त्र मिलता है दोनों तरफ धार रहता है पत्थर में, बिल्कुल हाँ दोनों रहता है। तो गोंडवाना में भी जो खाना बने वो दोनों तरफ था। पहले तो ताम्र युग आया ना, तो ताम्र युग में भी जो खाना बने, जो राखी गढ़ी मिला है तांबा, ताम्र युग हमारा है, लव युग आर्यों का है। तो ताम्र युग का जो राखी गढ़ी में मिला है तांबा का जो खाना, ऐसे छह वो और तांबे का बना हुआ है, दुधारी है पूरा, उसको खाना बोला जाता है। इस खाने के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये नाग है, नाग जी, ये मंडावी सात देव जो गढ़ा मंडला के हैं उनके खाना है ये। इस खाना का नाम है बिच्छल खाना। हाँ, बिच्छल खाना मतलब हमारे जो शस्त्र हैं हर किसी न किसी जीव जंतु के ऊपर है वो। ये जो नाग होता है ना, नाग सांप, नाग सांप का जीभ देखेंगे लप 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 करता है, उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, बिछलना, बिछलना बोलते हैं ना, स्लिप होना, उसका जीभ स्लिप होते रहता है, तो उसी के नाम से इसका नाम बिच्छल खाना पड़ा हुआ है। बिल्कुल, प्राचीन समय में बताते हैं पाटाली लोग इसमें वो शक्तियाँ सवार करते थे, हाँ। है तो शक्तियाँ सवार करके गोंड राजा बिल्कुल लड़े जाता था, कभी हार नहीं मानता था। संग्राम शाह का खाना बहुत प्रसिद्ध था। क्या बात, संग्राम शाह जो कभी हार नहीं माना, हमारे रायन जो हैं नागपुर के, उन्होंने उसके बारे में लिखा है। तो ऐसा पाँचों गढ़ का पाँचों अलग अलग खाना है और अलग अलग जीव जंतुओं के नाम पर है। क्या बात है, यानी एक शूरता वीरता का प्रतीक है। हाँ, शूरता वीरता, जैसे मैं मर काम हूँ तो मेरा खाना का नाम है आपका रनबन खाना, ठीक है। रनबन बाघ को बोला जाता है, बाघ की दहाड़, बाघ की शक्ति उस खाने में सवार है। जैसे इसमें बताते हैं जब तलवार चलेगा ना तो उसको दिखाई नहीं देना, स्लिप होना, कब आएगा या कब आया, ऐसा कहानी मैथोलॉजी में आता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप मर्यादित हो कि किसी चीज़ को चार्ज करें ना, वो चार्ज होगा ही, ठीक है। जैसे पेंठाना में सब चीज़ का मान्यता है, पाँचों खाना हमारे पास है, नहीं लाया हूँ, बहुत ज़्यादा वेट है। हमारे इस गोंगो में शूरता और वीरता को भी स्थान दिया जाता है। सवाल ही पैदा नहीं है, तो जो हमारे पुरखा हैं वो अगर हमको कोई सामान छोड़ के गए हैं उस चीज़ों की भी उसकी सेवा किया जाता है। क्या, क्योंकि उसका मूर्ति और फोटो तो हम नहीं लगाते, उसके छोड़े हुए सामान जो भी सामान है, कड़ा है, मुंदरी है, जो भी वस्तु होता है ना, उस चीज़ों की हम, जैसे खाना, तलवार, भाला, तीर, कमान, ये सारे चीज़ों की सेवा उपासना हम करते हैं, उसको आधार मानते हैं। कि आपका ये गोंगो देख के एक तो मुझे सब कुछ समझ में भी आ गया, आगे मैं कितने भी वीडियो में बता सकता हूँ मेरे वीडियो में कि ये ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा और यूनिक जो अर्थ निकलता है आपका। गोंगो शब्द का अर्थ पहले जानिए, गोंगो के अजीब नहीं लगता है क्या शब्द है, पूजा पाठ, सामान्य भाषा में पूजा पाठ बोलते हैं, लेकिन गोंडवाना में गोंगो बोलते हैं, हाँ। तो कभी तो आपका मन करता होगा एक नया शब्द का, क्या गोंगो शब्द आया है। आप समझिए, आप आदिकाल मानव है, हाँ। आपके पास कोई भाषा बोली भी नहीं है, ठीक है, एकदम आदि में है, पाषाणकालीन है, आपके पास कोई भाषा बोली, कोई शिक्षा ज्ञान नहीं है, तब आप कैसे आवाज निकालेंगे, जैसे गूंगा, ठीक है, वैसी आवाज निकाल के भी उस चीज, उस समय भी हम प्रकृति की सेवा करते थे जब हम गूंगा थे, हमारे पास जबान भी नहीं, हमारे पास जबान भी नहीं था, तब भी हम सूर्य की उपासना करते थे। क्या बात है, भावनाओं से कनेक्टेड थे। हाँ, मेरी एक आवाज निकलता था गले से, अभी भी हम लोग जब सेवा गोंगो करते हैं ना, तो मुंह से उच्चारण नहीं करते, एक प्रकार का गले से आवाज निकालते हैं। हो मुंडा संथाल उराव लोग भी इस प्रकार का आवाज निकालते हैं, नागा खासी जयंतिया भी निकालते हैं, ठीक है, जितने एंशियंट जो ट्राइब है ना, वो लोग मुँह से जबान बोल के नहीं करते, एक प्रकार का आवाज निकालते हैं और गोंगो करते हैं, और उस दिन को याद करते हैं कि जब हमारे पास जबान भी नहीं था, मैं इस धरती का पहला मानव था और मैं जबान नहीं था मेरे पास, तब भी मैं इन प्राकृतिक शक्तियों की सेवा उपासना करता था आवाज निकाल के, गों 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 करके। इसी के नाम से हमारा जो प्रकृति का जो चीज है वो नाद को ही हमने अपने सिस्टम बना लिया,
जी, जैसे गाटो, गाटो माने भात होता है, चावल बनाएंगे गट 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 आवाज करता है, तो हमने कुछ नाम नहीं दिया, गट गट आवाज समझ दिया मट चावल, ठीक है ना। वैसे लैंग्वेज जो गोंडी लैंग्वेज है वो नेचर का लैंग्वेज है, उसको हमने नहीं बनाया, नेचर में जो चलायमान है उसी शब्दों को हमने स्वीकार कर लिया। इसीलिए गोंगो शब्द जो है पूरा नेचर का शब्द है, उस दिन का शब्द है जब आप बोलना भी नहीं जानते थे, प्रकृति के पहले थे, इसलिए हम उसे गोंगो कहते हैं। यस, गोंगो का मतलब वही होता है। और आदिवासी ट्राइबल पद्धति में ऐसा मुंह से बोल के नहीं किया जाता, ऐसा किया जाता है जी। ओरिजिनल ये चीज है ना। और रिदम, आप जब अंदर से रिदम आवाज निकालेंगे ना तो उसका फर्क पड़ता है प्रकृति में जी। इसी को पाटा डाका रुंजी कहा जाता है, ठीक है ना। तीनों सिस्टम से मनुष्य जब पैदा हुआ होगा और संसार में मनुष्य, इंसान और आदमी, ये तो दूसरे का शब्द है, हम लोग गंड जीव या गंडज बोलते हैं गोंडियन में, तो गंडज या गंड जीव जब पहले पैदा हुआ तब वो सेवा उपासना भी करना चालू किया होगा, तभी इन चीज़ों का नाम अभी तक चलायमान है और वो चीज़ अभी तक है। हम पूर्व की तरफ देख के कैसे सेवा पूजा करते हैं, दूसरे धर्म वाले पश्चिम की तरफ करते हैं। इसका मतलब है जब आदि मानव रहता होगा पेड़ के ऊपर में तो वो सवेरा होने का इंतजार करता रहा होगा जी, सूर्य को देखने के लिए लड़ाई होता रहा होगा, क्योंकि अंधकार में कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं से उसको डर लगता होगा कई प्रकार की शक्ति से। तो जब सूर्य निकलता होगा ना तो वो नज़दीक है बोल के उसके तरफ चलना चालू किया होगा, बिल्कुल पाषाणकालीन जो व्यक्ति है उसके तरफ चालू चलना किया होगा, तो उसी की सेवा उपासना किया होगा। तो हम अपने जितने भी पेन शक्तियाँ हैं, जितने भी जिसको देवता धामी बोलते हैं, सूर्य के सदृश मानते हैं, सूर्य उगता हुआ सूरज, इसीलिए हमेशा हम पूर्व की तरफ सेवा जो उपासना करते हैं जी। पूरे ट्राइबल में ऐसी होता है, आपके चांदागढ़ के चंद्रकाली ऐसी है जी, बिल्कुल पश्चिम तरफ से इंट्रेंस होते हैं जी, और आर्यन अवस्था में पूर्व की तरफ से इंट्रेंस होते हैं, ठीक है ना। आप अगर आर्कियोलॉजी सर्वे करेंगे, जैसे हमने कोणार का किया, पुरी का किया, जितने प्राचीन महाबलीपुरम का किया जी, और भी बहुत सारे जगहों का किया, ऐसा अगर इंट्रेंस है तो समझिए आपका पेंठाना है, बिल्कुल, यानी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारी। हाँ, टेक्नोलॉजी क्या है, उन्होंने मूर्ति बदल दिया, अंदर की मूर्ति बदल दिया, नाम बदल दिया, लेकिन पूरे पूरे पेंठाना को तो बदल नहीं सकते ना, बिल्कुल वो अभी तक इस्तेमाल है। कोणार का ना जो रास है ना शार्दुल, जो गुनवाना राज चिन्ह, वो पश्चिम दिशा में है और उसी से इंट्रेंस होता है उस साइड में, बिल्कुल। तो बोलता हूँ जी, समय आ गया है ज्ञान, जिसके पास नॉलेज है वही समाज को गवर्न करता है, नॉलेज नहीं है तो आप पूरा डामिनेट होते रहोगे, बिल्कुल। जो बामन के पास कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता, वो अपने पुस्तकों को जो स्टडी करके ऐसा प्रेजेंटेशन पटापट पटापट बोलता है, वैसे ही हम गोंडवाना के यंग लोग को, मैं यंग लोग को ही समझना चाहता हूँ कि इनके पास अगर ज्ञान आ गया, अगर आप लोगों के पास ज्ञान आ गया यंग बेच को, तो आने वाला 25 साल बाद देखेंगे यंग गोंडवाना नॉलेजफुल गोंडवाना होना चाहिए। पृथ्वी का, प्रकृति का, सृजन का जो फिलासफी धर्म दर्शन है, ठीक है ना, वही हमारा फिलासफी है। आप लोग सब नारा लगाते हैं गोंडी धर्म संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। एक ने सवाल किया मेरे को, आप जननी बोल रहे हो तो जनक कौन है, जननी माने माता होता तो पिता कौन है, ऐसा करके सवाल किया गया। जननी मतलब माता होता है ना, तो पिता कौन है, ऐसे सवालों पे मत जाइए। वास्तव में गोंडियन कल्चर या ट्राइबल कल्चर विश्व की जननी है, जो भी धर्म निकले हैं इसी से निकले हुए हैं और इसी में जाके समाहित हो जाएंगे, ये स्वरूप है, एक कभी भी खत्म नहीं होने वाला, अनंत काल तक चाला सरनावस्था है जी, कभी भी खत्म नहीं होगा। हमारे आपके आज करोड़ों हजारों लाखों धर्म भी खत्म हो जाएंगे, संप्रदाय भी खत्म हो जाएंगे, पंथ भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये स्वरूप रहेगा ही रहेगा, क्या बात, इसकी शक्ति रहेगी ही और सारा सृष्टि से में समाहित हो जाएगा और फिर वहीं से सृष्टि का मतलब सृजन होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। यही समाप्त भी करता है, यही से सृजन होता है और इसी सृष्टि सृजन को आप फड़ा पेन और छोटे शब्दों में बड़ा देव बोलते हैं जी, ठीक है। इसके अनेकों नाम है और अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग ट्राइब में इसको अलग अलग नाम, जैसे सिंगबोंग की शक्ति बोलते हैं, सिंगबोंगा बोलते हैं, बरियार पेन बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, अलग अलग ट्राइब लोग अलग अलग तरीका से सेवा गोंगो करते हैं। तो हमको आज इस पेंठाना में आप लोगों का स्वागत है, बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ के काम कीजिए, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है आप लोग के
ऊपर हमारे गोंडवाना में ट्राइबल में अच्छे पत्रकार नहीं हैं। अच्छे इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़े नज़र से देखने वाले पत्रकार नहीं हैं, कहीं कहीं बिक गए और तुष्टिकरण किए, ऐसा हमको पत्रकार नहीं चाहिए। हमारे असली चीज़ों को प्रेजेंट कीजिए, लाइए सामने। आप लोग जो यूट्यूब में करते हैं ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है। मेरा मानना है एक यूट्यूब का राहुल कनाके जी का ही ऐसा एक चैनल है जिसको भारत भर के आदिवासी देखते हैं, चाहे हो मुंडा संथाल हो, चाहे भील हो, चाहे मीणा हो, चाहे नागा खासी जयंते हो, सबका कमेंट्स रहता है नीचे में। बाकी और भी चैनल चल रहे हैं तो विशेष कम्युनिटी लोग को ही देखते हैं उसको। तो हमको अगर सबको बढ़ना है तो सबको लेके चलना पड़ेगा, तभी हमें ताकत कर बढ़ पाएंगे। नहीं तो अभी का व्यवस्था आप देख रहे हैं ना, अभी के व्यवस्था को समझना है। हम बड़ा देव बोलते हैं, मतलब है दिल के अंदर फड़ा पेन और मुंह में चुडूर पेन। चुडूर मतलब छोटा देव होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल के अंदर भी बड़ा होना चाहिए और दिल दिमाग भी बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद के पी प्रधान सर का और उनके टीम का दूंगा। और दोस्तों मैं ऐसे ही इनके गोंगों में, ये पहली बार तो है लेकिन इसके बाद उड़ीसा हो या चाहे कहीं भी हो, सर बुलाएंगे वहाँ पे हम जरूर जाएंगे और आपको लाइव दिखाएंगे। आज क्या हुआ कि ये सब होने के बाद मैं पहुँचा, अगली बार ये सब होने से पहले पहुँच जाऊँगा और आपको लाइव बताऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज आपने ये गोंगो देखा और इसके अर्थ भी जाने, वीडियो बड़ा है लेकिन फिर भी आप क्लियरली देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वर्ल्ड लेवल का नॉलेज हमारे गोंडियनों में बसता है। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय।